अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमडी कैट यूनिट वाइज प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के यूनिट सेल बायोलॉजी पे। तो सेल बायोलॉजी के अलावा भी हमने केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के पेपर भी अपलोड किए हैं हमारे चैनल और वेबसाइट पर भी। तो आप एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल और वेबसाइट से भी डेटा ले सकते हैं। तो एमसीक्यू नंबर वन है सेल बायोलॉजी के लिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस क्या है जी, इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है वो भी इसमें होता है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या कर रहा होता है, हमारे सेल्स की तमाम तरह जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ गिवन ऑप्शन में जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो है जी बीटा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन एंड देन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, ये न्यूक्लियस में हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी की प्रोडक्शन की बात करें या एनर्जी के लिए मेन जो हमारा स्टोर हाउस है उसको हम कहते हैं जी बीटा ऑप्शन में माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम में, और राइबोसोम की फॉर्मेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चार्ली। फोर है विच टाइप ऑफ सेल लेक्स है डिस्टिंग न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। न्यूक्लियस आपसे पूछा गया किसमें नहीं प्रेजेंट होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली किसमें प्रेजेंट नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल की यही आइडेंटिफिकेशन है कि इनमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं। तो फोर में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। फाइव है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बताना है, तो इसका फंक्शन क्या होता है जी, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट एंड रिसाइकलिंग मटीरियल। कौन सा जी ऑर्गेनेल है जो कि सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन कर रहा होता है और रिसाइकल कर रहा होता है हमारे मटेरियल्स को, तो उस ऑर्गेनेल को हम कहते हैं जी लाइसोसोम, ठीक है। विच सेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। तो सेवन के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। साइटोस्केलेटन क्या है जी, ये हमारे सेल की शेप को मेंटेन भी कर रहा होता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो सेवन में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। एट है जी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है जी, इसका फंक्शन होता है कि ये पैक कर रहा होता है सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और बेसिकली मॉडिफिकेशन कर रहा होता है इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर इन द सेल। यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर की बात करें ना, यहाँ मेन एनर्जी सोर्स जो होता है सेल के लिए वो होता है एटीपी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है जी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, रेगुलेटिंग पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर भी जो सब्सटेंसेस जाएंगी या सेल से बाहर जाएंगी वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से ही पास ऑन होंगी। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है जी क्लोरोप्लास्ट में। तो 11 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑर्गेनेल कंटेन द सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेल एक्टिविटी। ऑलरेडी बता दिया, तो हमारे सेल की तमाम तर सेलुलर एक्टिविटी या हमारे सेल को ओवरऑल जो कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है जी न्यूक्लियस, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में इसी में होती है, डीएनए आरएनए इसमें होता है। सो 12 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 13 है जी व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स में मोस्ट प्रोमिनेंट जो उनका स्ट्रक्चर फीचर या ऑर्गेनेल होता है वो होता है न्यूक्लियस। इसी की वजह से हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू ए एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन विदाउट एनर्जी इनपुट। आपने बताना है जी वो प्रोसेस का नाम जिसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ हो रही हो और इसमें एनर्जी भी यूज़ ना हो रही हो। तो ये बेसिकली किस में होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है जी, हाई मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या ट्रांसपोर्ट क्या होती है, हाई से लो की तरफ हो रही होती है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल में लिखी हुई है जी डेल्टा ऑप्शन में डिफ्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। विच सेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग राइबोसोमल सब यूनिट्स। सबसे पहले जी बात करें राइबोसोम की, तो ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और देन राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन की बात करें तो वो हो रही होती है न्यूक्लियोलस में, ठीक है। सो असेंबलिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स हैपन इन न्यूक्लियोलस। 15 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। थैंक यू सो मच एवरी वन। रिमेनिंग एमसीक्यू इंशाल्लाह
पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।